जहां पीछे दो बार से करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई, किस तरह से करनाल के अनाज मंडी में घोटाला चल रहा था, किस तरह से हैवी लोडेड यूपी के व्हीकल्स यहां पर आते थे, एक ही ट्रॉली ट्रैक्टर के 5 गेटों से यहां पर पासेस बनाए जाते थे, और उन सब के चलते जो भी स्पेशल खबर दिखाई गई, तो आज यहां पर करनाल के अनाज मंडी में पहुंचे होम सेक्रेटरी, वो यहां पर अनाज मंडी का दौरा करने वाले हैं, साथ ही साथ किसानों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी परेशानियां, तो उसकी हम आपको भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। सारा खड़े सर तूफान के बड़े जगह आपके साइड से जबरदस्ती किसी के ऊपर।
रिमांड एक्सपोज है पिछले साल से। इसी तरीके से जनाब जो ये दूसरा बीमार आ रहा है वो और कब तक ठीक कर देंगे आप? शाम तक हो जाएगा। पेमेंट कल की पेमेंट पहले ले रखी है बाद में लोगे? बाद में लेंगे। कितने बाद में? पिछले साल भी पहली बार थोड़ी आ रहे हो? पिछले साल भी बाद में मिली थी। कितने दिन बाद? दो महीने बाद। महीने बाद थोड़ा सा ठीक है। ये किसान छोटे 1600 लगाए में भी नहीं 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 सुनील कुलदीप पे सुनील कुलदीप पे सुनील सरकार ने सीनियर अधिकारी की ड्यूटी लगाई है मंडियों में जाने की और ये देखने की किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उनको पेमेंट समय से मिल रहा है, उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं मंडी में वो हैं या नहीं है, और किसी तरह की दिक्कत है अगर डिपार्टमेंट को या लिफ्टिंग की कोई दिक्कत है, मिलर्स की कोई दिक्कत है, अड़तिया की कोई दिक्कत है। तो मैंने अभी करनाल मंडी देखा है और इस बार जो अराइवल है पिछले साल की तुलना में बेहतर है। 12,21,000 मेट्रिक टन की अराइवल हो चुकी है, जबकि इस वक्त पिछले साल 10,21,000 मेट्रिक टन हुआ है। पिछले साल 1454 हुआ था, 1454 मेट्रिक टन। इस बार उम्मीद है कि ये आंकड़ा 15 लाख को पार करेगा। कुछ डेयरियाँ मैंने देखी है, उसमें किसानों से मैंने बात करी है और किसानों की ऐसी कोई समस्या नज़र नहीं आई। पीछे पेमेंट की समस्या आई थी और मैंने जो सेक्रेटरी हैं फूड एंड सप्लाई के उनसे बात करी थी, वो फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम थी वेजन मीन्स की, उसका समाधान हो चुका है और इस वक्त पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ चल रहा है। मंडी से जो लिफ्टिंग है वो भी स्मूथ चल रही है, लेकिन मैंने 2-3 ढेरी देखी जिसमें मॉइस्चर लेवल चेक कराया गया और उसमें पाया गया कि जो 17% की जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा निकला। एक में 24.4 निकला, दूसरे ढेरी में 24 निकला और लेकिन फिर भी जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं उनको हमारी हिदायत है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, सेम डे उनकी परचेज हो और पेमेंट टाइम से। सर कहीं ना कहीं किसानों का ये भी कहना था कि जहां सरकार द्वारा 1750 हाँ जी ये एक लिमिट रखी गई है लेकिन उनको रेट्स कम मिल रहे हैं, कईयों का कहना था कि 1500। ये एमएसपी दो कैटेगरी है, कॉमन वैरायटी है उसका 1750 है और ग्रेड ए है उसका 1770 रुपये। और भारत सरकार ने जो परमिसिबल लिमिट तय कर रखी है मैक्सिमम जो मॉइस्चर लेवल है वो 17% है। जो दो ढेरी मैंने देखी वो 24 से ऊपर थी, एक 24 था जैसा कि मैंने बताया और एक 24.4% था। जब ये सूख कर करके 17% पे आता है तो वजन कम हो जाता है और भारत सरकार जो या FCI जो चावल लेती है मिलर से वो टोटल वजन के हिसाब से लेती है। अगर आज के दिन हम किसी को 100 किलो देते हैं वो सूखने के बाद से 94 किलो हो जाता है, बट उसे जो चावल लिया जाएगा वो 100 किलो के आधार पे लिया जाएगा। अगर उसका 67 किलो बनता है 100 पे तो 67 किलो, तो जो सूखने का नुकसान है उसके एक ये
जब मैं भी सेक्रेटरी था फूड एंड सप्लाई में और मेरे समय में बहुत गंभीर समस्या बनी हुई थी और उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक फैसला भी किया था कि कितनी कटौती लगानी है उसका एक साइंटिफिक स्टडी करके एक फॉर्मूला बनाया था कि जितनी अगर 1% कटौती 1% मोशर ज़्यादा है तो कितनी कटौती होगी, 5% ज़्यादा है तो कितनी कटौती होगी। तो उससे पहले उस फॉर्मूले से पहले ये किसान और अड़तिया और मिलर जिसको ये धान जाना है आपस में बैठ करके तय कर लेते थे, ये सरकार के बीच की बात नहीं थी। तो अगर वो तय कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसान और अड़तिया और मिलर। लेकिन अगर किसान को इतराज़ है तो उसके पास विकल्प है कि वो ढेड़ी को सुखाए और 17% पे अगर उसका मॉइस्चर है या उससे कम है और उसके बाद अगर उसको प्राइस MSP का नहीं मिल रहा है 1750 या 1770, तो यहाँ पे मैंने DC साहब को कहा है एक कमेटी बनाए, पहले भी हमने कमेटी बनाई थी, वो दें और इस तरह की समस्या का वहाँ पे समाधान किया जाएगा। बट मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सारे किसान भाइयों कि अगर 17% मॉइस्चर है तो उनको MSP से एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा। सर ये UP से धान आ रहा है यहाँ पे लगातार पिछले कई दिनों से आ रहा है, रात को उतरता है सर, और सर एक ही ट्रॉली के कई सारे गेट से पासेस बनाए जाते हैं, कन्वर्ट करके उसके गेट पास काट दिए जाते हैं यहाँ पे। और जब मैं ऑपरेटरों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे इधर एक नंबर से नहीं गई, दो नंबर से नहीं गई, तीन नंबर से नहीं। एक ही ट्रॉली का काफी गेट से पासेस बनाए गए हैं वो दिखाई, और जो ड्राइवर्स का कहना है कि उनको 200 रुपए पर पास मिल रहा है तो उनको अपने कमाई के चलते वो भी एक ही ट्रॉली को घुमा रहे हैं और वो एक ही से एक ही ट्रक के माल को बार बार दिखा रहे हैं। कल रात भी 150 ट्रक सर बाहर खड़ा था यूपी का जी। मैंने अभी SP साहब भी मेरे साथ खड़े हैं, DC साहब भी हैं और इस मुद्दे पे मैं उनसे बात करी है और अब आने का रास्ता इस वक्त तो गंगा में पानी, जमुना में पानी है और आने का रास्ता तो सिर्फ पुल के ऊपर से ही है, ट्रक तो कोई नहीं है, ट्रॉली के लिए उन्होंने नाका लगाया हुआ है और मुझे ये बताया गया कि वहां से नहीं आने दिया जा रहा है। बट जो बात आपने कही हुई है, मैं अभी अड़ती यहाँ जो एसोसिएशन है और मिलर से उनसे बात करने वाला हूँ और उनको मैंने कहा भी है कि जो कमेटी, एक हम कमेटी बना देते हैं उस कमेटी को हम 24 घंटा राउंड 24 घंटा 24/7 वहाँ पे बिठा देते हैं ताकि जो अड़तियाँ हैं उसमें कोई और भी आना चाहता है, आप लोगों में से कोई आना चाहता है आप बैठो, हम रुकते हैं उसको, आप हमारा साथ दो, सहयोग करो। सर अभी रात बट इनको मैं 100 ट्रक यहाँ निकले हैं, 100 ट्रक उतरे हैं रात भी यहाँ पे, रात के विजुअल सर सारे कलेक्टेड विजुअल से। तो मैं मेरे ख्याल से इस कमेटी को बिठाने के बाद से फर्क पड़ना चाहिए, अगर फिर भी नहीं फर्क पड़ता तो आप मुझे बताइए, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरा नंबर आपके पास है। तो ये आपने देखा जब होम सेक्रेटरी यहाँ आज अनाज मंडी के दौरे पर पहुंचे, जैसा कि उनका कहना था कि किसानों का जो MSP रखा गया 1770 रुपए वो डिपेंड करता है कितना उनके धान में मॉइस्चर होगा उसके हिसाब से रेट्स डिफर करेंगे। साथ ही साथ जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि एक ही ट्रॉली अलग अलग गेटों से बार बार पूरी रात घूमती रही, पासेज इकट्ठे करे अलग अलग, तो उस पर उन्होंने हालांकि कोई साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका यही कहना था कि एक हमारी स्पेशल टीम बनाई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन का पैट्रन हूँ और यहाँ होम सेक्रेटरी साहब श्री SS प्रसाद जी मंडी का दौरा करने के लिए आए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ देखा, 2-3 डेरियाँ भी देखी, उसमें 24% मैक्चर पाया गया जो कि 17% के मुकाबले में 7% ज़्यादा है और उसका दाम 1680 रुपये मीलर ने या सरकार ने लगाया है क्योंकि उसमें 7% मैक्चर ज़्यादा है जिसका 120 रुपये बनता है। फिर भी किसान की दिक्कत को देखते हुए मीलर ने उसमें 50 रुपये रेट ज़्यादा लगाया है, उसके मुताबिक कोई किसी किस्म की मीलर की या किसी की किसान को नुकसान देने की कोई नियत नहीं है और सरकार भी तकरीबन जो है ना पेमेंट भी किसानों को जैसे आढ़तिया के द्वारा मिलती है बिल्कुल ठीक मिल रही है और वो आए हैं यहाँ देख करके गए हैं, पिछले साल के मुकाबले में आमदन अभी कम है, कम हुई है प्रोक्योरमेंट और उम्मीद है कि पिछला आंकड़ा शायद पूरा हो जाएगा।